करेंगे एम फार्मा स्पेशलाइजेशन, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट रहता है कि हम कौन सा, हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करें अगर हम एम फार्मेसी करना चाहते हैं, किसका ज्यादा अच्छा करियर स्कोप होगा आगे जाके। तो इसके लिए देखिए हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है स्पेशलाइजेशन को, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। कैटेगरी ए में हमने रखा है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मा केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड फार्मा एनालिसिस को। अगर आप देखिए इसको लेते हैं अपने कोर्स के दौरान, इन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ते हैं, इनमें से किसी को चूज करते हैं स्पेशलाइजेशन के लिए, तो आगे जाके करियर में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये बहुत हाईली डिमांड में होते हैं ये सारे ही आपकी फील्ड्स। अगर आप बात करें कैटेगरी बी की, तो इसमें आ रखा है हमने देखिए क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर, फार्मा टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल फार्मेसी, इनकी भी डिमांड होती है, बट अगर आप कैटेगरी ए के से कंपेयर करें तो इनकी डिमांड कम होती है। कैटेगरी सी में हमने रखा है देखिए किसको, फार्माकोग्नोसी, नेचुरल प्रोडक्ट, फार्मेसी प्रैक्टिस, मेडिकल डिवाइस, ये सारे आपके देखिए सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आप अपने मास्टर्स कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड लास्ट में देखेंगे रेगुलेटरी टॉक्सिकोलॉजी एंड कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी। कैटेगरी सी जो है देखिए इतनी ज्यादा डिमांड हमारे देश की अगर हम बात करें तो इनकी नहीं होती, एक्सेप्ट फार्माकोग्नोसी। अगर आप फार्माकोग्नोसी में अपना फार्मा करते हैं तो टीचिंग फील्ड में आपके लिए स्कोप खुल जाता है, बट बाकी अगर हम देखें तो काफी कम रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप चूज कर रहे हैं अपना करियर, अपना सब्जेक्ट चूज करना है, तो हम प्रेफर करेंगे कि कैटेगरी ए को आप देखें, बाकी आपका खुद का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इसमें, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कैटेगरी बी और कैटेगरी सी की तरफ भी जा सकते हैं। Yeah.